अपनी बस्ती में रहो तो शाह जी। अस्सलाम वालेकुम, अभी हम आपको दिखाने लगे हैं कि क्या फाइल में नहीं, पूरी फाइल पर, फाइल पर, फाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उस फाइल में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं जो आपने देखनी है कि गाड़ी की फाइल में ये चीज़ें होनी चाहिए। अभी आप वो बता देते हैं कि फाइल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब नहीं सर, स्क्रीन के सामने आप दिखाते हैं कि ये होना चाहिए गाड़ी फाइल में, ये आप बताएंगे ये उसका टेक है और ये चीज़ें। हम आपको अभी दिखाते हैं कि अगर आप गाड़ी लें तो गाड़ी के फाइल में क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, वो ज़रूरी चीज़ें जो फाइल में मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि आजकल पंजाब नंबर की गाड़ियाँ रिटर्न फाइल हो जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए वो आपको हम दिखा देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जब आप गाड़ी लेने जाएँ तो आप देखें कि क्या जी औरंगजेब भाई, ये सबसे जरूरी जो चीज़ क्या चीज़ें। वालेकुम सलाम जी, सामने ये इस गाड़ी का सेल सर्टिफिकेट है, देखें सेल सर्टिफिकेट होना चाहिए जी, ये सेल सर्टिफिकेट है और इसके साथ ही गाड़ी की ये इनवाइस है, इनवाइस ये रसीद है, ये इनवाइस गाड़ी की होनी चाहिए, ये लाजमी ओरिजिनल होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। आप देख रहे हैं गाड़ी, आपको पता ही नजर आ रहा है, कैसे ओरिजिनल पता लगेगा इसके अंदर, ये देखें ये दायरे बने हुए, अच्छा दायरे नीचे करें नीचे, इसके अंदर दायरे बने हुए हैं, वो दायरे लाजमी होनी चाहिए रसीद के अंदर, जो रसीद होगी ओरिजिनल जी बिल्कुल, उसके इनवाइस के उसके दायरे होंगे वो आपने चेक कर लेने हैं, ये लाजमी चेक कर, इसके अलावा जी आगे चले डुप्लीकेट या वो आगे चले आगे सारी चीज दिखाए ना। हाँ जी, ये इसके बाद हो गया जी इसका ये इंडेक्स पेज होता है, इसमें क्या क्या होता है जी, ये देखें उस बंदे के नाम जो पहले जो बंदा निकालते हैं ना उसके नाम पे गाड़ी का चासिस नंबर, इंजन नंबर, मॉडल, हर चीज इसके अंदर, लोकली मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल बिल्कुल, ये गाड़ी के साथ मिलता है, ये जब खरीदेंगे ना आप वो ये गाड़ी के साथ आएगा, ठीक है जी। ये चीजें सेल सर्टिफिकेट कंपनी के मकसद ये कागज है, ठीक है, ये दो जो कागज ये दोनों कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी देती है, आगे भी बताए ना आगे जो लगे हुए इसलिए बता देना जी। हम आपको दिखा रहे हैं कि फाइल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके अलावा देखें जब भी कोई गाड़ी पुरानी ट्रांसफर होती है ना उसकी पुरानी बुकें उसके अंदर आ जाती है, ये देखें ये जब ये पहली दफ़ा ये गाड़ी ट्रांसफ़र हुई थी ये इसकी रजिस्ट्रेशन बुक है, ये पुरानी बुक भी साथ होनी चाहिए, बुक साथ होनी चाहिए, बुक का होना भी ज़रूरी है, पुरानी बुक खुदा ना करे वो डुप्लीकेट हो, कोई और मसला हो, वजन निकाल के फेंक दियो या FIR निकाल दियो, क्योंकि फाइल तो पास ही होती है, फिर ये सारे फार्म है, TO फार्म जी, ये TO फार्म क्या होता है जी, ये होता है कि ये जब गाड़ी पहली दफा रजिस्टर करवाए तो जे इसने रजिस्टर कराई है पहली दफा जी, पहली दफा दूसरे बंदे के नाम पे, ये जब भी करवाएगा इसको TO फार्म ये जारी होगा, ये देखिए जितने बंदे ने ट्रांसफर कराई है उनके सबके पड़े हुए हैं ट्रांसफर ऑर्डर, ये देखें जब वो लेटर ये सात लेटर लगे होते हैं सारे, ठीक है, नहीं ये ट्रांसफर ऑर्डर वो कौन देता है, ये साइज वाली देते हैं ना, साइज वाले अप्रूव, अच्छा हां अगर आप कर दी जाए, ये नाम हो गई है समझो, कर दी जाए मतलब इजाजत दी है इन्होंने, मतलब कि जो आपकी मोटर व्हीकल अथॉरिटी है जी, वो अप्रूव करती है कि इसके नाम गाड़ी का, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी जरूरी चीज है जी, फाइल ये हाँ जी करनी, हमने आपको दिखाई है जी, हाँ जी ये आप लाजमी देखें जी, ये चीजें बहुत जी सर, डॉक्यूमेंट आपने देखने हैं जनाब, डॉक्यूमेंट में नईम साहब ने आपको बताया कि आपने सारे डॉक्यूमेंट चेक करने हैं,